नमस्कार, मैं रेनु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। रिंगनौथ के शासकीय स्कूल के मैदान में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंच पर जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं विधायक सरदारपुर प्रताप ग्रेवाल मंचासीन रहे। धार कलेक्टर एवं विधायक ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जनता की समस्याओं, विभिन्न योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन पंजीयन कर जो तुरंत निराकरण हो सकते थे वह तुरंत किए गए। वही जिनके निराकरण में समय लगा उनकी समय अवधि में निरीक्षण के बाद निराकरण किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक प्रताप ग्रेवाल एवं धार कलेक्टर ने संबोधित किया एवं विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को चेक एवं सामग्री प्रदान की गई। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। क्षेत्र की माही माता जो मिंडा से निकल करके गुजरात होती हुई खंबात की खाड़ी में पहुंचती है, उसको भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने इस क्षेत्र के घाटों के विकास के लिए, माई माता के गुणगान के लिए, उसके उत्थान के लिए आज तक योजना में माई माता के सरदारपुर को मैं बधाई देना चाहता हूँ। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और एक पहला कार्यक्रम धार जिले का सरदारपुर में, सरदारपुर से शुभारंभ किया जा रहा है और आज जिले के समस्त अधिकारी एक ही वाहन में, एक बस में आकर, बस में ही ये डिसाइड किया गया कि कौन से गांव पहुंचकर हम वहां का स्थिति मुआयना करेंगे। सबसे पहले हम कंजरोटा गांव गए सुबह 9 बजे और वहां पे पूरे गांव का भ्रमण। मुख्यमंत्री इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहते हैं और जो विकास की योजनाएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, जो धरातल पे, जो हकीकत पे है, उसके विकास को जमीन पर उतारना चाहते हैं। इसलिए आज आपकी सरकार आपके द्वार का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले का यह प्रथम कार्यक्रम है। अच्छा, खरबा की बड़ी समस्या है यहाँ पर, जमीनें भी लोग परेशान हैं, क्या करेंगे? अभी आपको जिला प्रशासन, सम्मानित कलेक्टर साहब ने बताया कि एक प्रतिवेदन मध्य प्रदेश सरकार को पहले भी भेज चुके हैं और दोबारा भेजने जा रहे हैं। इसमें हम लोग आपके सामने स्पष्ट, मैंने जिला प्रशासन को यही बोला कि 14 गांव के रजिस्ट्रियों का बहुत बड़ा दर्द है। आप उस यहां के किसानों को दर्द को समझे और उनके दर्द को भी, वो आंकड़ा मैंने अभी मंच से बता दिया था। इसमें काफी लोगों को लाभान्वित किया गया है, लगभग 250 लोगों को तो पेंशन ही इसमें स्वीकृत किया गया है। अनुग्रह सहायता लगभग 150 लोगों को किया गया है और भी सभी विभागों में जो भी यहाँ पे शिविर के माध्यम से पंजीयन होकर आए हैं उसके अधिकांश मामले में आज निराकरण कर दिया गया है और थोड़े मामले जिसमें थोड़ा समय लगता है उसका एक निश्चित सवाल निराकरण करने के निर्देश दिए गए, जो हमारे मॉनिटरिंग में रहेगा। ये पूरे ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन के माध्यम से ये पूरा लिस्ट निकलेगा और सभी विभाग इसका मॉनिटरिंग करेंगे और उसका रिपोर्ट डालेंगे और हम लोग भी TL के माध्यम से इस स्थिति को जायजा लेंगे कि यहाँ पे जो शिविर आयोजन हुआ उसका प्रकरण का क्या हुआ।